हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त कलमकांड। यस, कलम इज़ बैक एंड आई एम बैक विथ वन मोर ट्रैक ऑफ सिम्बा सिंह, दिस टाइम ड्राउनिंग पॉट बाय फलक। फलक ने इनके और भी कुछ ट्रैक्स प्रोड्यूस किए हैं ना, ठीक है। तो एल्बम का नाम है स्ट्रेट आउट ऑफ गुरदासपुर LP2, और ये गाना इनके एल्बम का छठवां गाना है। दैट मीन्स दिस इज़ द सिक्स्थ ट्रैक ऑफ हिस एल्बम। बाकी के जो और गाने हैं वो यहाँ पे हैं। रिटर्न ऑफ सिम्बा सिंह, इंट्रो था विंटर लव, लिमिटलेस, कार्टेल, वर्दी, ड्राउनिंग। सो टुडे आई एम गोना बी रिएक्टिंग टू ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मतलब मैं डूब रहा हूँ। तो देखते हैं गाने में क्या है। गाना एज ऑलवेज आधी रात को आया था, एंड मैं देख रहा हूँ कि हर एक गाने पे ना एक एक सौ सॉरी 1K सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। पिछले गाने पे जब रिएक्शन किया था मैंने, सॉरी 1K नहीं, 100 सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तब 1.02 था शायद। सो गोइंग गुड, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा। देखो रात को इन्होंने अपना गाना अपलोड किया है एंड 465 व्यूज़। चलिए तो हम गाना शुरू करते हैं। एंड ये गाना पंजाबी में है, तो जिनको पंजाबी आंदी है, पंजाबी आती है, सो भाई आप लोग अच्छे से इसको समझ पाओगे, इंजॉय कर पाओगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस भाई मैं भी थोड़ी बहुत पंजाबी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। पंजाबी लिरिक्स सुन रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा हूँ, लिरिक्स को पढ़ रहा हूँ, तब ना समझ में चीज़ें आ रही हैं। बिकॉज यू नो सी ऑल द नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सिमिलर, है ना। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी तो मिलती ही है। तो अगर हम ध्यान से सुने और अगर लिरिक्स पढ़ें तो हमें समझ में आता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले द सॉन्ग। Sad vibes. What the falak? Falak. What the falak? दिलां च दर्द कई पर कोई रिग्रेट नहीं। कईयां ने बहुत कुछ कीता मेरे लिए ते मैं बहुत कुछ कीता कईयां लिए। पीड़ा सहियां कई कुछ सटां, जख्म बन दिलां विच वस गईयां, कई दस गईयां, कई कई रूह विच रच गईयां, कई चल जिदां बीती जिंदगी उदां सही। सिम्बा गद्दारियां तो पिछे मुड़िया, यारियां तो नहीं खड़े हरियां नाल भी, सिर्फ जितन वाले ना नहीं रूह कंबे देख जिना जिस्म दे बनाए तंदे कुछ रूह। ग्रुप वांग सपने दिखा, पैसे खान कई इत्थे खोल के दिखाना, बार भेजण पिछे फ्रॉड करी जान। अगेंस्ट ऑल द यॉर्ड्स यो लॉर्ड, बस यकीन करां तेरे ते बाकी सब लगे मैनू फ्रॉड। कदी कदी सोचा जिंदगी ते लादा फुल स्टॉप फुल क्लॉक, दिल दर्द नाल फुल क्लॉक फुल लोड, कन कन पट्टी उते फिंगर ऑन द ट्रिगर। एक सेकंड दिया गल सारी प्रॉब्लम हो जू सॉल्व, फ्री हो जू सॉल रेज हो जू खत्म जिड़ी लेटली होई फिरे। यारा कंट्रोल आरा कंफर्ट जोन, जाके चंगा कीता सारे आंदे नाल। हज हुंदा मैं भी खुश ते आजाद दपने यापना जी, लोकां गल लाके हुंदा मैनू मारे आना, खुद नू मेरे खून विच हुंदा राड़े आना। हारे आ मैं खुद तो किसे तो हारे आना, सारियां नू याखरी सलाम मेरा याखरी पैगाम मेरा, छड्डिया मैं जग हुण लई आजाद, होर कुछ बचिया नी मेरे कोल हुण लई बर्बाद। तोरे ओ सेवियां च मेरी लाश खुशी नाल मनायो जशन, त्यो हर वांग जिस दिन मौत गल ला होजू रू मेरी याबाद, जिस दिन मौत गल ला होजू रू मेरी याबाद, जिस दिन मौत गल ला होजू रू मेरी याबाद, जिस दिन मौत गल ला होजू रू मेरी याबाद। सिम्बा ठीक है।
तो आपने सोचा होगा जो मुझे रेगुलर देखते हैं कि भाई ये तो बीच में बहुत रोकता है, खट खट पट पट रोक रोक के टोकते रहता है, बोलते रहता है, आज क्यों नहीं बोला? आज इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये गाना ऑलरेडी सुना मैंने 2-3 बार विथ लिरिक्स विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन, और मैंने इसका मतलब समझा, मैं काफ़ी रिलेट कर पाया। दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी टेलिंग। चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ अब, ठीक है? सो गाने का नाम है ड्राउनिंग, ठीक है, मतलब मैं डूब रहा हूँ, और ये गाना पंजाबी में है, जी हाँ। एंड अभी मैं ओवरऑल फीडबैक देता हूँ, इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया था जैसा मुझे लगा, थोड़ा सा लंबा, 40 सेकेंड्स तक, ठीक है, लेकिन इट वॉज़ वर्थ वेटिंग। जैसे लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन इट वॉज़ वर्थ वेटिंग। उसके बाद जो जो समा बंधा, दैट एंडेड ओनली एट द एंड ऑफ द सॉन्ग, अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। आपने वो पोम पढ़ी होगी सॉलिटेरी रीपर, पढ़ी है आपने? CBSE में भी है और हमारे स्टेट बोर्ड में भी है, सॉलिटेरी रीपर, विलियम वर्ड्सवर्थ का था। उसमें क्या था, वो जो ना हाईलैंड लैश, मतलब जो पहाड़ी लड़की थी, वो जो गाना गा रही थी, कभी वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन घर आने उनको बहुत प्यारी लगी, और घर आने के वहाँ से लौटने के बाद भी वो उसकी मीठी प्यारी आवाज़ उसके कवि के, पोइट के, विलियम वर्ड्सवर्थ के कानों में बसती रही। उसमें उतना इतना इतना खो गया था। तो यहाँ तो मुझे चीज़ें समझ में आई क्योंकि आई हैड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ओवर हियर, समझा मैं। सो आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं खो गया था। बात करते हैं भाई फ्लो वगैरह के बारे में। काफ़ी स्मूथ फ्लो था, बढ़िया स्मूथ फ्लो था। वाइब जो थी सैड वाइब्स थी, सैड वाइब्स थी, एंड इट वाज अ स्टोरी नरेशन, राइट? एंड आर्टिस्ट अपने बारे में बता रहे हैं, वो जो फेस करते हैं। तो एक बार हनी सिंह पाजी ने कहा था कि लोगों से लोग, मतलब उनको मज़ा दो, फील दो, है ना, मतलब कमर्शियल गाने बनाओ, अपने बारे में तुम क्या कर रहे हो, तुमने कहाँ स्ट्रगल किया, कैसे क्या किया, तो वो कोई सुनना नहीं चाहेगा। तो मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूँ, लोग सुनते हैं सुनाने वाला चाहिए, लोग सुनते हैं सुनाने वाला चाहिए। तो यहाँ पे हमने सुना, एंड दिस वॉज द स्टोरी नरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ही इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, ठीक है, क्योंकि वो सबको कनेक्ट कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब भी कोई सुनेगा तो, क्योंकि कभी ना कभी हमें भी जो लास्ट में कहते हैं कि अब मैं दुनिया से चला, उंगली मेरे ट्रिगर पे मुझे, और स्टार्ट जो कर रहे थे कि काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प की, मैंने भी उनकी हेल्प की, लेकिन कुछ लोगों ने जख्म दिया जो जख्म अभी भी मेरे दिल पे हैं, और समाज के बारे में बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने धंधा खोल के रखा है पैसे कमाने का, लोगों की जान का सौदा कर रहे हैं, और कह रहे थे कि वो कंपनी वगैरह खोल के रखा है लोगों ने, मतलब कि अब्रॉड भेजेंगे लेकिन फ्रॉड कर देते हैं। तो उस केस में ही नहीं, बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग फ्रॉड करते हैं, तो वही सच्चाई उजागर कर रहे हैं हमारे सामने। एंड आर्टिस्ट, हो सकता है आर्टिस्ट ने फेस किया हो, आर्टिस्ट ने अगर फेस नहीं किया है तो हम में से जितने भी लोग देख रहे हैं, किसी ना किसी ने, मतलब किसी ना किसी चीज़ में हमने फ्रॉड फेस किया होगा, हम ठगे गए होंगे। मैं म्यूज़िक में कैसे आया, वहाँ भी एक ठगी की कहानी है, मैं आपको कभी बताऊँगा। 15,000 रुपये मेरे ठगे गए थे, दिल्ली की बात है, मैं कभी बताऊँगा इत्मीनान से। तो वो सब चीज़ें बता रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि उंगली मेरी ट्रिगर पे, मन करता है कि मैं सब कुछ ख़त्म कर लूं ताकि पेन जो ना, मतलब मेरी रूह आज़ाद हो जाएगी, आबाद हो जाएगी, मतलब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, अगर मैं दुनिया है ना, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इससे अगर मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। तो ये भी हमारे मन में कभी ना कभी इतना सा भी आया होगा। भाई बढ़िया केडेंस था आपका, जो फ्लो था, जिस तरह से बैठ थे आप, जिस तरह से कैडेंस चल रहा था आपका, जिस बंदे को एकदम भी समझ में नहीं आती पंजाबी, एकदम भी नहीं आती, वो भी एंजॉय करेगा, बिकॉज द फ्लो द कैडेंस वॉज लाइक दैट, इट वॉज स्मूथ। एंड जितनी आवाज़ चाहिए लाइक इस गाने को, लाइक नो, इसमें फील थी, और क्या कह रहा था मैं कि जो होती ना टोनालिटी, एकदम परफेक्ट थी, ना कहीं ज़्यादा धीमा, ना कहीं ज़्यादा तेज, जितनी ज़रूरत थी मतलब फील कराने के लिए, वैसा एकदम आपने सही किया है। एंड भाई सिम्बा, आपने मिक्सिंग मास्टरिंग खतरनाक इम्प्रूव किया ब्रो, एकदम प्रोफेशनल, पता है क्वालिटी आ रही है, मैं आपको सुन रहा हूँ शुरू से,
लेकिन मिक्सिंग मास्टरिंग आपकी टॉप नॉच हो गई है। मैंने अभी स्पीकर पे प्ले किया था, अभी ये स्टूडियो हेडफोन से इस पे सुन रहा हूँ मैं, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैंने शायद आपको फीडबैक दिया होगा पास्ट में कि मिक्सिंग मास्टरिंग और बेटर हो सकती थी, शायद दिया होगा, मैं मुझे याद है। हाँ, लेकिन बहुत बहुत इंप्रूवमेंट हुई है मिक्सिंग और मास्टरिंग में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। आप करते गए करते गए, ठीक है। और भी क्या चीज़ें थी, जैसे वोकल टेक्सचर, इनका तो फैन हूँ मैं, जिस तरह से ये नो द वे ही स्पिट्स, जो इनका वोकल है, आई से दैट इज़ गॉड गिफ्टेड। हाँ, काश मेरा भी ऐसा होता, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, दैट इज़ अमेजिंग, ब्यूटिफुल। एंड बात करते हैं थोड़ी बहुत लिरिक्स की, बात करते हैं लिरिक्स। देखो, ऐसी थी कि आपको, मतलब आपने कभी शायद मुझे देखा होगा, मेरे इतने सारे रिएक्शन वीडियोज़ पड़े हैं कि मैं पूरा गाना सुन गया एकदम बिना कुछ बोले। नहीं है, मैंने फील किया ब्रो, मैंने जब लिरिक्स पढ़ा समझा तब मुझे एक एक वर्ड समझ में आ रहे थे, मैंने फील किया इसको। देखो, ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है यहाँ पे ब्लू में हाइलाइटेड है, ब्लू से। कहानी है, लगता है ना, लगता ही नहीं कि ये सिम्बा का, लगता है ये मेरी कहानी है। आप जब पढ़ोगे आपको लगे, आप जब सुनोगे आपको लगेगा कि आपकी कहानी है। देखो, जो जो भी चीज़ें कही मैंने, देखो, पुलिंग द ट्रिगर एंड टेक माई ओन लाइफ सो दैट इन मैटर ऑफ सेकेंड्स ऑल द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। मेरी आत्मा फना हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ, मैं पल पल लड़ रहा हूँ खुद से, लड़ाई मेरे अंदर चल रही, मेरे बाहर चल रही है। मैं खुश रह पाता, मैं जिंदा रह पाता, मतलब खुशी को जिंदा रह पाता, अगर इन्होंने, लोगों ने, समाज ने मेरे पीठ में चूरा ना भोंका होता, मेरी ही आत्मा को मेरे उबलते हुए खून में ना अगर इन्होंने खौलाया होता। और आज कहते हैं कि मुझे किसी ने हराया नहीं, मैं खुद से हार गया हूं। लास्ट में कह रहे हैं कि आई वांट टू कन्वे दैट आई लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू बी फ्री, मैंने इस दुनिया को त्याग दिया है। इसके भी दो मतलब हैं, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। क्या खोल गया भाई, टेक मी टू माई ग्रेव विथ हैप्पीनेस एंड जॉय व्हेन माई सोल विल फाइनली सेट फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। यहाँ पे दो मतलब हो सकता है कि, या फिर ना मतलब स्टोरी नरेटर या फिर आर्टिस्ट अपने, ठीक है, ये सच में यू नो ही इज गोइंग टू क्विट हिज लाइफ, ठीक है। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि अब जो ये जो अड़चने थी, ये जो प्रॉब्लम्स थी लाइफ की, मैं इन सब से काफ़ी ऊपर उठ गया हूँ, एंड दैट वॉज द एंड ऑफ माई सेल्फ। हाँ, मतलब दैट मी इज डेड नाउ, दैट मी इज डेड नाउ, देयर इज अनदर वर्शन ऑफ मी, मतलब मेरा अपडेटेड वर्शन है। ये भी हो सकता है। सो ये चीज़ें डीप, सिंपल है लेकिन डीप भी, फिलोसॉफिकल भी हैं। जैसे कोई इंसान, आपने कभी कभी देखा होगा अपने नो लाइफ में, आसपास में, कि एक इंसान को आपने देखा था ऐसा था वैसा था, लेकिन आपने कुछ टाइम के बाद उसको देखा एकदम बदल सा गया था, या तो वो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर आ गया, तो वो जो है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर टू डिफरेंट पीपल। तो जब एकदम गरीब था वो एकदम फटेहाल था, मतलब बेकार था, और अभी कामयाब है। तो वो जो गरीब इंसान था, दैट हिमसेल्फ ही इज डेड नाउ, नाउ ही इज अ डिफरेंट मैन। ये भी हो सकता है। कोई चीज़ अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताना कि मैंने क्या मिस किया। मैंने कोशिश की कि मैं जितने भी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की जो मुझे अच्छी लगी मैंने बताई। एंड या सैड वाइब्स एंड बीट के साथ जस्टिस हुई है, बीट की कंपोजिशन भी फलक ने बढ़िया की है। तो अभी तक हमने पूरे एल्बम में क्या देखा है, देखो यहाँ पे लव वाली वाइब है, हार्डकोर है, ठीक है, गैंगस्टर टाइप वाइब है, एंड यहाँ पे ये ड्राउनिंग, ये सैड वाइब्स है। मतलब इस एल्बम में अभी तक 6 ट्रैक्स आए हैं, एंड सब में अलग अलग कुछ करने की कोशिश की गई है, एंड आर्टिस्ट हैज़ बिन सक्सेसफुल। इनको काफ़ी प्यार मिल रहा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ इनके जो कमेंट्स वगैरह आते हैं, कहाँ कहाँ से बता रहे थे कि मतलब दुबई से, फॉरेन कंट्रीज से, जो पंजाबी समझते हैं जो लोग, या फिर जो हिंदी समझते हैं मतलब थोड़े बहुत पंजाबी समझ लेते होंगे लोग, यू नो दे आर लविंग इट, दे आर लविंग इट, एंड आई एम द विटनेस। मैंने सिम्बा सिंह का एवोल्यूशन देखा है,
मैंने देखा है, आई एम विटनेसिंग। सो गाइज, ये थे अपने सिम्बा सिंह। एंड देखो, मेहनत रंग लाती है, ठीक है, यही कह के मैं एंड करना चाहता हूँ। और कुछ भी अगर मैंने मिस कर दिया हो तो आप लोग कमेंट में बताना। चलो, तो ये था आज का गाना ड्राउनिंग। इन्होंने जस्टिस किया है इसके साथ भी, क्या कहते हैं, टाइटल के साथ भी, ड्राउनिंग में डूब रहा हूँ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे आर्टिस्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।